2024 लोकसभा चुनाव से पहले मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे के जो नतीजे आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। स्क्रीन पर ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो आंकड़े हैं पंजाब के, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जब मतदान होगा तो पंजाब का भी जो रोल होगा वो बेहद ही अहम रहने वाला है, क्योंकि पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। और मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो आया है वो इंडिया के लिए बेहद ही खुशखबरी लाया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो 13 लोकसभा सीटों में से पंजाब में कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। यानी अगर मूड ऑफ द नेशन सर्वे की माने तो 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन पंजाब की 13 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए के खाते में महज एक सीट जाने का ही अनुमान है। ये जो आंकड़े हैं वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े के नतीजे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। दरअसल पंजाब को लेकर के तमाम जो सियासी उठापटक हुआ उसके बीच देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद से तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने अन्य पार्टियों का दामन छोड़ करके भाजपा का जो सदस्यता है उन्होंने लिया, लेकिन अब वो भी पंजाब में बीजेपी और एनडीए के लिए कुछ भी कमाल नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यानी सर्वे के अगर आंकड़े की आप माने तो इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए के खाते में महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। अब इंडिया गठबंधन में पंजाब में कौन कौन से दल शामिल होंगे, यहां दो बड़े बड़े महत्वपूर्ण दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल भी हुए थे, पटना में भी गए थे, बेंगलुरु में भी गए थे, और संभावना है कि मुंबई की बैठक में भी वो शामिल होंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पंजाब में जब मतदान होगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेगी और उसकी ऐसी आंधी चलेगी कि एनडीए साफ हो जाएगा। एक सीट पर ही एनडीए का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। और इन आंकड़ों को समझने के लिए आखिर 24 में ये आंकड़े क्या ऐसे होने वाले हैं या पहले बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था, ये जानना भी जरूरी है। तो उसके लिए हमें 2019 के आंकड़े को समझना होगा कि आखिर 2019 में पंजाब का सिचुएशन क्या था, आखिर 13 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर किन पार्टियों को ज़्यादा सफलता मिली थी, चलिए जान लेते हैं। तो अगर आप बात की जाए तो 2019 के अगर नतीजे की बात करें तो कांग्रेस को कुल 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। केरल के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन था, यानी 13 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीट पर सफलता मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर सफलता मिली थी। जबकि आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कुल 4 सीट पर सफलता मिली थी। लेकिन अब जो सर्वे आया है, चलिए एक बार फिर से आपको वो आंकड़े दिखा देते हैं जो मूड ऑफ द नेशन ने जो सर्वे किया है कि पंजाब में क्या स्थिति होने वाली है, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज करते हुए दिख रही है, जबकि एनडीए के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है, और यहाँ कुल सीटों की जो संख्या है वो 13 है। तो यानी अब आप देखेंगे केरल, तमिलनाडु और पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुसीबतों का अंबार है वो लगातार आता जा रहा है। ये वो राज्य हैं जो पीएम मोदी की लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद इन राज्यों में, खासकर पंजाब हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, वहाँ बीजेपी की राह जो है वो आसान नहीं दिख रही है। भले ही अन्य राज्यों में बीजेपी की राह आसान है, लेकिन फिलहाल पंजाब में बीजेपी की राह जो है वो आसान नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।